हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम आए हैं पपीते के बाग में। ये एक दोस्त का पपीते का बाग है, तो इधर एक हमारे साथ दोस्त खड़ा है, इससे पूछते हैं कि ये पपीते के बारे में। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई। वालेकुम सलाम वहीद भाई, क्या हाल है? दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। वहीद भाई, क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी मौसम में मना के इसका बीज लगाते हो? ये दूसरे महीने में, इस महीने में लगाते हैं, फरवरी में इसके बीज लगाते हो? देसी पपीता है? ये हाइब्रिड भी है, देसी भी है। अच्छा, तो इसमें अच्छा कौन सा होता है? हाइब्रिड? हाइब्रिड का रेट अच्छा होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता है। अच्छा, ये हाइब्रिड खराब नहीं होता है। और खाने में जायका किस में अच्छा है? जायका दोनों में अच्छा है, ये ज्यादा फ्रूट चाट में चलता है। अच्छा, ये फ्रूट चाट में चलता है, ये खराब नहीं होता है। वाह, और इसकी कोई खासियत? जिगर के लिए बहुत मसाला, जिगर के लिए। जिगर के लिए? हाँ। अच्छा, जिगर के लिए मना के ये मुफीद है। हाँ। बहुत ही जबरदस्त है। हाँ? कब्जी नहीं होता है ना, कब्जी से तो बीमारियां होती है इंसान को। अच्छा, ये कब्ज नहीं करता है इंसान। अच्छा, तो मना के ये कब्जी और ये इसके लिए मना के बहुत मुफीद है। हाँ। जिगर की बीमारी के लिए। वाह, सुबह अनारी खाओ तुम, ऐसा अंग्रेज बन जाएगा। तो दोस्तों, ये हम आज खड़े हैं पपीते के बाग में। आज बात हुई है जो इधर का बाग का माली है उससे, वहीद मुराद, तो उससे बात हुई है। तो ये पपीते का बाग ये दिखाया हमने आप लोगों को आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।